शिवपुरी जिले की पिपरसवा मंडी को एक बार फिर जिला प्रशासन ने प्याज की खरीदी के लिए खोला है, जहां सोमवार की सुबह शिवपुरी एसडीएम अरविंद वाजपेयी, एसडीओपी सुधीर सिंह कुशवाहा सहित प्रशासनिक अमले ने पिपरसवा मंडी पहुंचकर जायजा लिया। इसके साथ ही प्याज की फसल को लेकर पहुंचे किसानों से कोविड नियमों का पालन करने की अपील की। बता दें कि कुछ दिनों पहले पिपरसवा मंडी में प्याज की खरीदी की जा रही थी, परंतु यहाँ कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। मंडी में किसान भारी संख्या में अपनी प्याज की फसल को लेकर पहुंच रहे थे, जिससे मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था। इसके साथ ही लोग मास्क लगाने से भी परहेज कर रहे थे, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कुछ दिनों के लिए पिपरसवा मंडी को 30 मई तक बंद करने का फरमान जारी कर दिया था। हालांकि किसानों की परेशानी को देखते हुए राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह से बात की, जिसके बाद जिला प्रशासन ने पुनः पिपरसवा मंडी सहित अन्य मंडियों को प्याज की खरीदी के लिए खोल दिया है। मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, महिलाएं वगैरह इधर दूर रहें, जरा भीड़ न लगाए किसी भी उसमें, क्योंकि अगर अपन प्याज बेचने आए हैं तो अपन अपने परिवार के लिए आए हैं, अगर कोरोना लेके जाओगे तो अपने परिवार के दोगे आप लोग, ध्यान रखें चीज का। अगर कोरोना को हराना है तो हमको संकट में सभी स्थिति में आपातकाल में सक्रियता से निभाना है। शिवपुरी से राजवर्धन सिंह की रिपोर्ट।